वेलकम बैक गाइस। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस दिन आप लोगों का फिजिकल रिलेशन होता है, इंटरकोर्स होता है, अगर आप लोग उस दिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो टेस्ट आपको नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको जिस दिन आप लोगों ने फिजिकल रिलेशन रखा है उसी दिन अगर आपको गर्भधारण हो जाता है, तो जो बच्चा है वो अभी बच्चेदानी में जाकर इम्प्लांट नहीं हुआ है। जब बच्चा बच्चेदानी में पहुंचेगा, वहां इम्प्लांट होगा, तो वो एक खास टाइप का हार्मोन बनाता है जिसे हम लोग बीटा एचसीजी, फुल फॉर्म है बीटा ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बनाता है। और फिर ये जो बीटा एचसीजी हार्मोन है ये पेशाब के रास्ते से शरीर से बाहर निकलता है, और जब ये बाहर निकलेगा तो जब आप लोग उस पेशाब के सैंपल से प्रेगनेंसी की जांच करते हैं इन टेस्ट कार्ड से, तो ये जो टेस्ट कार्ड हैं उस हार्मोन को डिटेक्ट कर लेती हैं। इस टेस्ट के ऊपर लिखा भी गया है कि ये जो टेस्ट कार्ड हैं ये एससीजी हार्मोन को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस दिन आप लोगों का फिजिकल रिलेशन हुआ है तो रिलेशन रखने के इमीडिएटली बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेल पार्टनर के स्पर्म हैं, जो शुक्राणु हैं, वो एक टाइप का प्रोटीन होता है, और अगर जो स्पर्म हैं वो पेशाब के साथ मिक्स हो जाते हैं और उस पेशाब के सैंपल से अगर आप लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में हल्की लाइन दिखाई देती है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं भी होगी, गर्भधारण अगर आपको नहीं भी होगा, तो भी आपको फेक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो स्पर्म है वो एक टाइप का प्रोटीन है, और अगर पेशाब में प्रोटीन की मात्रा डिटेक्ट होती है और उस पेशाब के सैंपल से अगर कोई भी व्यक्ति यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करता है तो उनको फेक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ जो कि थक चुके हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर करके, और उनको अपनी बॉडी में सारे प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में पेन होना, वाई डिस्चार्ज होना, कमर में दर्द, पेट में दर्द, वीकनेस होना, उल्टी जी कच्चा महसूस होना, और वो बार बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, उनको कोई कन्फर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि उनको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा दिन है जब आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। इस टेस्ट के बाद आपको कोई भी अलग से ना तो कोई ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत है और ना ही आपको अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड हैं ये प्रेगनेंसी हार्मोन को पता लगाने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी हार्मोन है बीटा एचसीजी, जो कि बच्चा बनाता है जब आप लोगों को गर्भधारण होता है। जब तक बच्चा बच्चेदानी में जाकर इम्प्लांट नहीं होता है और इस हार्मोन को नहीं बनाता है, तब तक ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड पता नहीं लगा सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है या आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि जरूरी थोड़ी है कि बच्चा जाएगा यूट्रस में और इस प्रेगनेंसी हार्मोन को बनाएगा, बच्चे को क्या जरूरत है। हो सकता है कि जो बच्चा है वो थोड़ा आलसी हो, इस हार्मोन को ना बनाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला जो काम है बच्चे का यही है इस हार्मोन को बनाने का। ये हार्मोन एक स्पेशल टाइप के हार्मोन को बनने के लिए ट्रिगर करता है। अब इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है कि बच्चे का जो पहला काम है वो बीटा एचसीजी हार्मोन को बनाने का है। अगर बच्चा बीटा एचसीजी हार्मोन को नहीं बनाएगा तो लगभग लगभग 12 से 14 दिन के बाद महिला को पीरियड्स आ जाएंगे। तो यहां पर आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि मान लीजिए कि आप लोगों का फिजिकल रिलेशन हुआ, आपको उस दिन गर्भधारण भी हो गया, जो बच्चा है वो
फैलोपियन ट्यूब से बच्चेदानी में पहुंचने में लगभग लगभग 7 दिनों का समय ले लेता है। अब ये बच्चेदानी में पहुंच चुका है यहाँ पर, और अगर ये बीटा एसीजी हार्मोन को नहीं बनाएगा बच्चा, तो महिला को 12 से 14 दिन के बाद पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जो बच्चा है वो बच्चेदानी से बाहर निकल जाएगा ब्लीडिंग के रूप में और उसकी डेथ हो जाएगी। तो बच्चे को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? बीटा एसीजी हार्मोन को बनाना जरूरी है। जब बच्चा बीटा एसीजी हार्मोन को बनाएगा तभी महिला को पीरियड नहीं आएंगे, पीरियड मिस हो जाते हैं, और जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो फिर प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे को जिंदा रहने के लिए बीटा एसीजी हार्मोन को बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो मेल पार्टनर की स्पर्म है बॉडी में 5 दिनों तक जिंदा रह सकती हैं। तो यहां पर सपोज करो कि किसी भी तारीख को अगर आप लोगों ने 1 तारीख को फिजिकल रिलेशन रखा है, ठीक है, तो जो मेल पार्टनर के स्पर्म हैं वो 5 दिन तक जिंदा रहते हैं, और अगर 5 तारीख को महिला को ओवल्यूशन होता है, एग रिलीज होता है, तो जो एग है और जो स्पर्म है उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि महिला को गर्भधारण हो जाएगा, और उसके बाद बच्चा 7 दिन लेगा यूट्रस में पहुंचने में, तो 7 और 5 12 हो जाते हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटा हिसाब किताब ये है हमारा कि अगर आप लोग 13 तारीख के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, मतलब कि 14th डे पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो आपको जो प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन है इन टेस्ट कार्ड से वो 100% हो जाता है। मतलब ये कि अलग से आपको दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लोग पूछेंगे कि प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, उल्टी जी कच्चा क्यों हो रहा है, वाई डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, सुस्ती क्यों हो रही है, कमजोरी क्यों हो रही है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम है ये हॉर्मोनल इश्यूज़ की वजह से होती है, और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सारी प्रॉब्लम आपको पीरियड आने से पहले भी होती हैं, जिसे हम लोग प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। इसको चाहिए आप लोग इंटरनेट पे सर्च भी कर लेना। तो घबराना नहीं है पहली बात बिल्कुल भी, पेशेंस रखनी है, डे 14th का वेट करना है। अगर 14th डे पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है या 14th डे के बाद अगर आप लोगों का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो हो गया कन्फर्मेशन, आप लोगों को प्रेगनेंसी नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहली बार अगर आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।